मैं जुनेश शेख, आज हम मुसाफिर खाना के पास है या मनीष मार्केट बोल सकते हैं। एग्जैक्टली मनीष मार्केट ये देख सकते हो, इसके सामने हम खड़े हैं। ये ब्रिज का हिस्सा है। अब यह मसला क्या हुआ, एक जादू हुआ है। या ये जगह मैं आपको बता दूं, ये जगह थी जहां कुरान को, जो बुजुर्ग कुरान बोल सकते हैं आप, या बहुत पुराने कुरान हो जाते थे, है ना, तो उसको यह ठंडा किया जाता था या रखा जाता था। अब क्या हुआ, ये जगह को आप देख सकते हो नई दुकान में कन्वर्ट हो गई। दो दिन पहले यह बोर्ड लग गया। कई सालों से वो जगह बनी थी, बैतुल कुरान का नाम दिया गया था इस जगह को, या कुरान ठंडा करने के लिए लेके आया जाता था। अब ये जादू हो गया है। अब यहाँ के जो मुकामी लोग है, इन्होंने ये चीज को देखा और अलर्ट करा, क्या भाई ये देखो कैसा जगह पे यह झोल हो रहा है। भाई आप लोग का नाम जानना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ के लोग है तो आप लोग का क्या है? आ जाओ भाई। क्या मेरा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल कुरैशी, मैं यहाँ का स्थानीय अपना रेसिडेंट है, मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ। तो सर ये हुआ क्या, ये क्या मतलब, ये क्या हो गया? अचानक हम लोग 4-5 दिन पहले ना देख रहे थे, कुछ काम चल रहा है। ओके। हम लोग ने इतना ध्यान दिया नहीं, और ये कैसा था, बैतुल कुरान करके हम लोग अपना बना था, ये बैतुल कुरान करके, जैसा जो भी कुरान शरीफ जैसा खराब हो जाता है या अपना जो ज़ईफ हो जाता है कुरान शरीफ, तो उसको यहाँ पर रखा जाता था। और ये रखने के बाद में ना इसको ठंडा किया जाता था, समुंदर में जा भी जैसा है वैसा करते थे वहाँ के जो लोग। ये कभी बना था सर? ये तो बहुत पहले 2002 में तकरीबन बना। ये जादू अचानक 4-5 दिन में हो गया, अभी हम लोग को तो लगा नहीं। हम लोग यहाँ पर रहते, आते जाते रहते, अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ काम चल रहा है, रिनोवेट हो रहा है एमएलए के थ्रू या कोई फंड के थ्रू या इलेक्शन का कोई चल रहा है तो हो रहा रहेगा। हम लोग ने इतना ध्यान दिया नहीं, अचानक से हम लोग आज देख रहे हैं तो देखे तो यहाँ पर बोर्ड लग गया और अंदर काम चालू है, और देखे तो ये मोबाइल का पूरा शॉप ही कन्वर्ट हो गया। आपके क्या मांगे या के लोग? हमारी मांग यही है कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। हाँ। कि इसमें वार्ड ऑफिसर इन्वॉल्व है, आप जाओगे यहाँ नजदीक में ही है ना पुलिस चौकी, यहाँ पे तो बीट चौकी, यहाँ बीच में दोनों के बीच में हम खड़े हुए, ज्यादा फासला भी नहीं है। तो लोग यही चाह रहे हैं कि ये सब देखने के बावजूद भी ये कैसा हो गया, ये तो हो सकता है ना, और ये तो कौम की चीज है, ये तो कौम की चीज है यार। तुम उसके साथ में तुम कैसा कर सकते हो, पैसे में बेच सकते हो अपनी चीज? तुम तो, आप तो कौम के साथ में क्या कर क्या रहे हो, आप बताना क्या चाहते हो, आप क्या बेचना चाहते हो क्या कौम को? ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि भाई ने बताया, ये 2000 में कुछ बनाया गया था बैतुल कुरान के नाम के, जहाँ कुरान को ठंडा किया जाता था। आपको बता दूं, ये मुंबा देवी एरिया भाई का कुलाबा लगता है, और इससे पहले मुंबा देवी लगता है, कुलाबा, ये माइनॉरिटी जो एरिया है। या आप देखोगे ये मसले बहुत उठ रहे हैं, कभी मस्जिद, कभी दरगाह, अभी बैतुल कुरान, मतलब इनके अपने ही इनको डुबाने में लगे हैं, ये बोल सकते हैं आप। इसमें कोई, मुझे बोलते हुए भी अफसोस हो रहा है, क्या आप देखोगे क्या, दो दिन पहले मतलब दो दिन में बोर्ड लग गया, दुकान बन गई, मतलब इनको किसी का डर ही नहीं है। ये अपने आप को या तो इतना पावरफुल समझते हैं या सरकार को इतना कमजोर समझते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब इसमें क्या कार्रवाई ली जाएगी बीएमसी की तरफ से या के एमएलए से, सिटिंग जो एमएलए है नार्वेकर सर, उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट अपील करते हैं, क्या ये मामले पे जांच की जाना चाहिए, वोट या के जो वोट ऑफिसर है उनसे अपील करते हैं कि जांच की जाना चाहिए, और ये जो जिसने ये गुस्सा की है ये चीज को लेके उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने मांग की है सर, अभी देखते हैं आने वाले वक्त में इसमें क्या फैसला होता है। और आप लोग में से किसी को कुछ बोल रहे हैं? हम तो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमारा मांग पूरी नहीं हुई, हम तो पूरी गली वालों को ला के यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, रोड बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये होने से पहले ये पहले ही सॉल्व हो जाए तो बेहतर रहेगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर लोग भी, आप देख रहे हो हमारे साथ में कितने, ये रात के 12 बजे, हाँ ये तो हमने सिर्फ ऐसा ही लाया कि भाई देखो आप क्या हो रहा है। रेसिडेंट से सब मुकामी लोग है, कोई भी बाहर का एक भी नहीं, सब यहाँ के मुकामी लोग। हम चाहते इतना ही है कि जल्द से जल्द ये जो भी इसके पीछे है वो सामने आए, उनका नाम लोगों के बीच में है, यहाँ लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कौन कौन के हमदर्द है और कौन कौन के हमदर्द नहीं है, सामने तो आना चाहिए। तो ये यहाँ के लोग थे, इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ चक्का जाम किया जाएगा, यहाँ के पूरे एरिया के लोग बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं प्रशासन सरकार इसमें क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया, मैं जुनेश शेख F3 न्यूज की तरफ से, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, ऐसे मुद्दों पे, लोकल मुद्दों पे F3 न्यूज हमेशा आपके साथ नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच।